India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. Hello, good. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे. सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली दोस्तों 8 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेई एग्जाम की. उम्मीद है दोस्तों कि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस चल रही होगी, रेगुलर बढ़िया प्रिपरेशन चल रही होगी. और हमेशा की तरह आज भी दोस्तों अपन 8 बजे क्या करने वाले हैं, काफी सारे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि अपन कवर करने वाले हैं. उम्मीद करता हूं कि कल जो आपने मैंने आपको जो पढ़ाया उससे आपने काफी कुछ सीखा होगा. काफी कुछ टॉपिक्स है जो कि हमने कवर करे डिटेल के अंदर. नियर बाय 25-30 क्वेश्चन से हमने 100 क्वेश्चन के आसपास जो कि कवर करे थे कल भी और आज भी यही करेंगे. हर एक जो अपना क्वेश्चन होगा उसको पूरी तरीके से खोल के देखेंगे कि भाई उसमें से क्या क्या सवाल है जो कि और बन सकते हैं, कैसे कैसे सवाल है जो कि और एग्जाम के अंदर आ सकते हैं. ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है और कुछ क्वेश्चन जो है मैंने इसके अंदर प्रीवियस ईयर के भी डाले हैं आज आपके लिए, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस बढ़िया हो सके और आपको पता लग सके कि कैसे क्वेश्चन जो है आपके एसएससी जेई के अंदर पूछे जाते हैं. सिंपल सी बात है, ठीक है. चलिए तो सबसे पहले भाई वीडियो को शेयर कर दो सारे बच्चे यहाँ पे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके और उसके बाद अपन करेंगे आज के पहले सवाल की शुरुआत. चलिए सभी बच्चे शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, फेसबुक पे, जहां पे भी कर सकते हो, सब जगह पे शेयर करो एक बार, ठीक है. चलिए तो साथ में दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि करंट अफेयर के लिए सुबह 8 बजे वाला सेशन भी आप देखते होंगे. 8 बजे वाला देखा करो, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक, इकोनॉमिक्स सब कुछ आपका बढ़िया रिविजन होगा और आप अपने आप को एकदम जो है अपडेटेड फील करोगे, ठीक है. एसएससी जेई हो चाहे देश का कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आपके एग्जाम के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो इसको देखा करो, सुबह 8 बजे वाली क्लास को ज्वाइन किया करो, उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लो, बहुत काम आएगा आपके लाइफ के अंदर, ठीक है. तो चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज अपना क्या है. सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, जैसे कि बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि भाई सर व्हाइट जो है ऊपर व्हाइट कलर से लिखो, बाकी सब सही है, ग्रीन बैकग्राउंड ऊपर से उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर का. काफी सारे बच्चों ने जो है इसको फेवर किया, ताकि आपकी आंख जो है आंखों को थोड़ा सा सुकून मिल सके, आप आराम से जो है पढ़ाई कर सके, तो इसीलिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया. धीरे धीरे जो है बाकी क्लास के अंदर भी अपन इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि आपकी आंखों का ध्यान रख सके. एक बच्चे का मैसेज आया था, उसको बोला गया डॉक्टर के द्वारा कि भाई थोड़ा सा आप व्हाइट स्क्रीन से थोड़ा सा टाइम थोड़ा दूरी बना के रखे, तो इसलिए ग्रीन बैकग्राउंड है जो कि आपके लिए लिया गया है. चलिए दोस्तों बताइए, आर के नारायण को लेकर कौन सी किताब के लेखक है जो कि आर के नारायण यहां पे नहीं है, जल्दी से बताइए. किसके बारे में बताना है, आर के नारायण है उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है. जल्दी से आंसर करिए दोस्तों. आर के नारायण की बात करें तो ये कहां से, मद्रास से बिलोंग करते हैं, इंडियन राइटर है अपने काम को लेकर. इनका नाम आर के का जो पूरा नाम है वो क्या है, रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी, ये इनका पूरा नाम है जिसको अपन आर के नारायण भी शॉर्ट के अंदर कहते हैं, ठीक है. तो इनकी काफी जबरदस्त किताबें हैं जो कि इन्होंने अपने टाइम के अंदर लिखी है, काफी फेमस रहे साउथ इंडिया के अंदर, मालगुडी टाउन के अंदर लीडिंग ऑथर रहे भारतीय लिटरेचर के, इंग्लिश के अंदर, और साथ में राज आनंद और राजा राव ये दो ऑथर के साथ में इन्होंने काफी किताबें लिखी. अभी देखिए दोस्तों, राज आनंद का मैंने नाम लिया है तो ध्यान रखिए जो पहली किताब है ना ये किसकी है, ये राज आनंद की है. ये पहली किताब राज आनंद की है, बाकी तीनों किताबें किनकी है, इनकी ही द्वारा लिखी गई. बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा, ये सारी किताबें इनके द्वारा लिखी गई और देश में काफी फेमस रही है, ठीक है. द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी पहली बार स्वामी और फ्रेंड्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, काफी ऐसे साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला है ना, और बहुत सारे ऐसे अवार्ड है जो कि इनको मिले हैं, ठीक है दोस्तों. इनके बारे में ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा जा चुका है, ठीक है. साहित्य अकेडमी अवार्ड और भी बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हैं, समझ गए. चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं. उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको बताया आर के नारायण के बारे में आप इन सब की चीजों के बारे में ध्यान रखेंगे. मालगुडी के बारे में ध्यान रखेंगे, मालगुडी का जो चीज है वो इनसे ही फेमस है. ये देखो
किताबों के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करता रहूंगा मैं बीच में, टाइगर ऑफ द मालगुड़ी, द पेंटर ऑफ द साइन, है ना, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो द वर्ल्ड ऑफ नागराज, द डार्क रूम, स्वामी एंड फ्रेंड्स, टीचर, द इंग्लिश टीचर, बैचलर ऑफ आर्ट्स, गॉड्स, ये सारी फेमस किताबें जो है वो इनके द्वारा ही लिखी गई हैं, ठीक है, बैटिंग फॉर द महात्मा, ये सब किताबें। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये देखिए यहां मैंने आपको बताया राजानंद जी की जो किताब है वो कौन सी है, टू लीव्स एंड बर्ड। अगला सवाल, नेशनल स्पोर्ट्स डे खेल दिवस कब मनाया गया, पहली बार 29 अगस्त को राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डे जो है वो कब मनाया गया, ये आपको बताना है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है अपने आप में। नेशनल स्पोर्ट्स डे, मेजर ध्यानचंद जी का जो बर्थडे आता है 29 तारीख को, उस दिन जो है हम क्या मनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे है जो कि मनाते हैं, समझ गए मेरी बात, और उसी दिन जो है वो क्या मिलता है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से जो कि दिए जाते हैं। इस बार खेल रत्न किसको मिला है, दीपा मलिक जी को, और साथ में बजरंग पूनिया जी को, ठीक है, जल्दी से बताइए दोस्तों। साथ में आपको मालूम ही है और भी बहुत सारा अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य है, उसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, वो देख लीजिएगा, ठीक है, वो मैंने सारे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के ऊपर 2019 के ऊपर आपके लिए वीडियो बना दिया था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप वहां से पूरा का पूरा ये टॉपिक जो है वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1995 आपका बिल्कुल सही आंसर है, काफी बच्चों ने यहाँ पे तुक्के मारने की कोशिश करी, अरे भाई तुक्के मत मारा करो, है ना, 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद के अंदर मेजर ध्यानचंद जी का बर्थ हुआ था, ओके, हॉकी के विजार्ड यानी कि जादूगर जो है वो इनको कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। इन्होंने आर्मी ज्वाइन करी थी 1922 के अंदर, और उसके बाद में इन्होंने जो हॉकी इनका जो गेम था उससे पूरी उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 1905 में जन्म हुआ कहाँ पे, इलाहाबाद के अंदर, और मृत्यु 1979 के अंदर कहाँ पे, दिल्ली में मेजर ध्यानचंद जी की क्या हुई, मृत्यु हुई। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है, विच बिलो मेंशन सिटीज नॉट ऑन द रिवर बैंक ऑफ गंगा, नीचे उल्लेखित शहर गंगा नदी के तट पर नहीं है, कौन से वाले शहर जो है वो गंगा तटी के, गंगा नदी के तट पर नहीं है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए कौन सी जो है सिटी जो है वो गंगा नदी के तट पर नहीं है, कौन कौन सी सिटी है ये बता दो, मैं आपको मेजर मेजर नदी का नाम बता देता हूं, ठीक है, मेजर मेजर जो नदियां है जैसे कि ऋषिकेश है, हरिद्वार है, फरुखाबाद है, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर, है ना, प्लासी, कोलकाता, ये सारे के सारे, बांग्लादेश में बात करें तो ढाका, चिटगांव, चांदीपुर, ये सब, तो ये सब सिटी है जो कि किसके ऊपर है, गंगा के ऊपर है। यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो ऑप्शन में आपके पास में बिल्कुल बच्चों का यहाँ पे जो जवाब है बिल्कुल सही आ रहा है, 90% बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि लखनऊ के अंदर कौन सी नदी बहती है, गोमती नदी है जो कि लखनऊ के अंदर आपको देखने को मिलती है, सिंपल सा लॉजिक था, आप यहां पे देख सकते हैं ये है लखनऊ और ये है यहां पे गोमती नदी, समझ गए। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं, भारतीय डंकन का पठार कितने राज्यों में है, जल्दी से बताइए कितने स्टेट के अंदर जो है वो हमें डंकन, जो हमारे डेकन प्लेट्यू है वो हमें देखने को मिलता है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका, डेकन प्लेट्यू, ये पूरा का पूरा जो एरिया है दोस्तों ये क्या है, डेकन प्लेट्यू का एरिया है। हमारी माउंटेन रेंजेस के बारे में ध्यान रखिएगा, पेपर में बहुत बार पूछते हैं कि भाई कहां पर कौन सा है, मैं यहां पे आपको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, आपको थोड़ा बढ़िया नजर आएगा, ये देखिए विध्यान, विंध्य आपको ध्यान रखना है, बीच में नर्मदा है, फिर उसके नीचे सतपुरा है, समझ गए, उसके नीचे भी ताप्ती नदी है, तापी भी कहते हैं जिसको अपन, ये वाली जा रही है, और ये वाला जो नीचे एरिया नजर आ रहा है ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू आपके राइट हैंड साइड के ऊपर, थार डेजर्ट ऊपर, रन ऑफ कच्छ, ये पूरा का पूरा एरिया नीचे की तरफ, नीलगिरी जहां पे पश्चिमी घाट और साथ में यहाँ पे, ठीक है, ईस्टर्न घाट है जहां पे मिलते हैं। अब यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू के राज्य के बारे में बात करी गई है, ओके, किसके बारे में, राज्यों के बारे में, तो जल्दी से आंसर, काफी बच्चे यहाँ पे तुक्के मार रहे हैं, कई 5 आंसर दे रहे हैं, कई 6 आंसर दे रहे हैं, देखो बच्चों जो इसका प्रॉपर आंसर होगा ना वो क्या होगा, 8 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, 8 राज्यों के अंदर जो है वो हमको क्या देखने को मिलता है, डेक्कन प्लेट्यू जो है वो देखने को मिलता है, आप देख सकते हो ना कितना बड़ा एरिया है,
पूरे के पूरे राज्य आ गए ये वाले एरिया के डेकन प्लेटू के अंदर। अगर आप काउंट करोगे तो आपको 8 आराम से मिलेंगे। अगला सवाल, वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान डैश किसी पर्वत पर पाया जाता है। देखो जल्दी से आंसर करने की कोशिश करो, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप देखते आंसर कर सकते हो अगर आपने काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो तो। आप लोग बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ऐसा कि आपको बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, आंसर निकालिए। आपको पता है वैली ऑफ फ्लावर्स कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है, समझ गए? और कहां पर है के अंदर क्या है दोस्तों? नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पर है? यहीं पर ही है। तो यह बात आपको मालूम ही है तो आप इस तरीके से इसको आसानी से याद कर सकते हो, समझ गए? सेकंड के बारे में बताइए, जो कैमेट पीक है ये आपको कहां पे देखने को मिलती है? ये भी जो है कैमेट जो है ना, कैमेट ये भी आपको उत्तराखंड के अंदर ही देखने को मिलती है, समझ गए? ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है गढ़वाल रीजन के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, नंदा देवी के बाद में चामोली डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे देखने को मिलती है, समझ गए? अगली बात बताइए तो मेरे को शिनू के बारे में, शिनुओल, ठीक है? अगला बताइए शिनुओल ओलचू के बारे में, शिनुओलचू और कंचनजुंगा ये दोनों आपको कहां पे मिलेंगे दोस्तों? ये आपको सिक्किम के अंदर मिलेंगे। अभी देखो कितने सारे क्वेश्चन कवर हो गए, पहला तो वैल्यू ऑफ फ्लावर्स कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। नंदा देवी कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद में कामेट कहां पर है? उत्तराखंड में। सिनिओलचू और कंचनजुंगा कहां पर है? सिक्किम के अंदर। इस तरीके से कई अलग अलग सवाल है जो कि हमने यहां पे कवर करे हैं, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। और मोस्ट ब्यूटीफुल स्नो माउंटेन अगर दुनिया में, ऐसा बोला जाता है कि ये जो सिनिओलचू वाली जो जगह है ना, इसको बहुत जो है वो बताया जाता है दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट स्नो माउंटेन में से इसको बताया जाता है, ठीक है? मुझे पता नहीं कि कितने लोग हैं आप में से जो कि यहाँ पे गए हुए हैं, लेकिन मैं भी गया हुआ नहीं हूं अभी, इसलिए मैं भी आपको रियलिटी में तो नहीं बता सकता, लेकिन सुना है और मेरा मन है काफी सिक्किम जो है एक बार विजिट करने का, है ना? तो अगर आप में से कोई गया हुआ है तो मुझे बताइएगा कि भाई आपने अगर ये देखा है तो कैसा है। चलिए ये देख सकते हो आप, ये ट्रैक रूट है दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स जाने के लिए। थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ इस तरीके से, ये देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स, समझ गए? मैं थोड़ा व्हाइट ले लेता हूं यहां पे, आपके लिए सही रहेगा। ओके, ये गोविंद घाट है, यहां से आप आगे चलते हो दोस्तों तो यहां पे आगे जाने के बाद यहां पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है? इधर से एक रास्ता जो है वो बद्रीनाथ के लिए चले जाता है और एक रास्ता जो है वो कहां पे वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए चले जाता है, गोविंद घाट के नीचे पड़ता है विष्णु प्रयाग और उससे 100-150 किलोमीटर नीचे आपके ऋषिकेश पड़ जाएगा, समझ गए? चलिए गोविंद घाट रास्ता बदलना पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं, फ्रेंच ओपन दोस्तों कौन से कोर्ट के ऊपर खेला जाता है? जल्दी से बताइए आंसर, बहुत ही सिंपल सवाल है और लगे हाथ मुझे ग्रैंड स्लैम के जो चैंपियन है 2019 के, वो भी मुझे बता दो भाई कौन कौन चैंपियन है। सवाल पेपर के अंदर आता है 2019 के ग्रैंड स्लैम के चैंपियन कौन कौन है। सबसे पहले दोस्तों विंबलडन के बारे में बात कर लेते हैं, विंबलडन की बात करें तो इस बार कौन है जल्दी से बताइए। देखो विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों का एक ही आदमी है जो कि कौन है, नोवाक जोकोविक। 2019 की बात कर रहा हूं, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों किसने जीता है इस साल के, जोकोविक ने ही जीते हैं। फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन के चैंपियन कौन है, राफेल नडाल है, ठीक है? तो राफेल नडाल क्ले कोर्ट की बादशाह है, इसीलिए फ्रेंच ओपन जो है, ठीक है, वो किस कहां पे होता है, क्ले कोर्ट के अंदर होता है। महिलाओं के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी याद करने के लिए, यहां से याद कर लिया विंबलडन ऑस्ट्रेलियन, तो फ्रेंच ओपन अभी राफेल है और यूएस ओपन अभी चल रहा है। यहां पर अगर महिलाओं की बात करें तो विंबलडन के अंदर जो जीता वो सिमोना हेलिप है, उन्होंने महिलाओं का चैंपियनशिप जीती विंबलडन की। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में ओसाका जापान की दोस्तों, और सिमोना हेलिप जो है ये कहां की है, ये है वहां की रोमानिया की। और तीसरे फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन की महिलाओं के अंदर बार्टी करके प्लेयर है जो कि कहां की है, ऑस्ट्रेलिया की है, ऑसी है, तो उनके द्वारा इसको जीता गया, समझ गए मेरी बात? 2019 का याद करेगा, 2018 का याद मत करेगा, कोई टेंशन नहीं है, यह आप देख सकते हैं। ओके, यूएस और ऑस्ट्रेलियन जो ओपन होते हैं ना, ये दोनों हार्ड कोर्ट के ऊपर होते हैं, फ्रेंच ओपन क्ले के ऊपर होता है, और विंबलडन जो होता है
ये किसके ऊपर? ग्रास कोर्ट के ऊपर होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। चलिए अगला सवाल है आपका, नोबल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? नोबल पुरस्कार के ऊपर अलग से वीडियो बना रखा है, नोबल प्राइज अगर आप लिखे स्टडी या भुवनेश तो आपको मिल जाएगा वीडियो, लेटेस्ट जो वीडियो है 2018 का, क्योंकि 19 का तो मिला नहीं है ना, 19 का तो दिसंबर में मिलेगा, उससे पहले आपका पेपर हो जाएगा, तो आपके लिए 18 का इंपॉर्टेंट है। तो 18 का मैंने कैसे याद, आप इसको याद कर सकते हैं किसको क्या क्या मिला है, उसको सिंपल ट्रिक के साथ में मैंने आपको बताया है, वीडियो देख लीजिएगा, आपको 10 मिनट में याद हो जाएगा, समझ गए? ठीक है, अब यहाँ पे नोबल प्राइज की बात करें दोस्तों, तो इसके पीछे एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। नोबल प्राइज के पीछे है ना, अल्फ्रेड नोबल की जो है वो बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है इसके पीछे। ओके, स्टोरी क्या है दोस्तों? जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा कि अल्फ्रेड नोबेल जो है ना, वो ये चाहते थे कि दुनिया उनको याद रखे, समझ गए, दुनिया उनको क्या करेंगे, याद करे। और याद करने का तरीका क्या था कि भाई जो उनके पास पैसे उससे एक वो क्या कर दे, अवार्ड का अनाउंसमेंट कर दे। तो उन्हीं के पैसे से जो है इस अवार्ड की शुरुआत करी गई। एक बार बोला गया कि भाई जो अल्फ्रेड नोबेल का भाई जो है वो मर गया था और अल्फ्रेड नोबेल की फोटो लगा दी गई, तो लगा कि अल्फ्रेड नोबेल को लगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो अभी जिंदा हूं, ठीक है, और वो तो जिंदा थे उस टाइम पे, लेकिन फिर भी उनकी फोटो आ गई और जनता को जो है वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे जीने से मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और साथ में जो हेडलाइन आई थी वो भी बड़ी खतरनाक आई थी कि भाई जो सौदागर है मौत का, क्योंकि डायनामाइट इन्होंने बनाया था, तो वो जो है अब इस दुनिया में नहीं है। तो एक्चुअली उनकी भाई की डेथ हुई थी, उनकी नहीं हुई थी, लेकिन उनका क्या हो गया, एक बहुत बड़ा आई ओपनिंग के तौर पे जो है ना, इनको इस तरीके से देखा खुद की ही जो है, द मर्चेंट ऑफ द डेथ इज डेड, जो न्यूज थी ना वो क्या थी, द मर्चेंट ऑफ द डेथ इज डेड, यानी कि जो मौत का सौदागर है, मर्चेंट ऑफ द डेथ इज डेड, इस तरीके की न्यूज पढ़ के ये शॉक में चले गए। हालांकि इनका भाई था वो रियल में, लेकिन इनकी फोटो लगी हुई थी, तो ये सुन के जो है इनकी काफी फ्रेंच न्यूज़पेपर के अंदर इनको काफी सदमा लगा, और फिर इन्होंने क्या बनाया, नोबेल अवार्ड बनाया। ठीक है, नोबेल अवार्ड की शुरुआत की बात करें तो 1901 में इसकी पहली बार शुरुआत है जो कि करी गई थी, आप यहां पे देख सकते हैं 2019 को जो है इसकी सेरेमनी होगी, अभी लेटेस्ट वाली केमिस्ट्री किसके अंदर, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन साथ में पीस और लिटरेचर के अंदर दिया जाता है। बाद में एक बैंक ने एक और रेजाबिक अवार्ड स्टार्ट किया जिसको अपन इकोनॉमिक्स का नोबेल अवार्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये 1968 में स्टार्ट हुआ था, बाकी सब 1901 के अंदर हुए थे, समझ गए। रिजबिक बैंक ने एस्टेब्लिश किया था रिजबिक प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का नोबेल अवार्ड भी कहते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो पीस का अवार्ड है ये ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सारे अवार्ड कहां पे दिए जाते हैं, स्टॉकहोल्म के अंदर, यानी कि स्वीडन के अंदर जो है अवार्ड को दिए जाते हैं। ये एक और बात है जो कि आपको यहां पे ध्यान रखनी है, समझ गए मेरी बात। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले सवाल का, और वीडियो को शेयर कर दो भाई सभी बच्चे, वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो, ताकि और भी बच्चे जुड़ सके और भी बच्चे अच्छी प्रिपरेशन कर सके। भाई आप ही के लिए क्लासेस हो रही है, किसी और पाकिस्तानी और के बच्चों के लिए तो हो नहीं रही है, आप ही अपने देश के बच्चों के लिए हो रही है, तो भाई शेयर कर दिया करो व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, सब जगह पे। चलिए जल्दी से बताइए, इंटरनेशनल वुमेन वायलेंस इरेडिकेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर करें, 25 नवंबर दोस्तों आपका क्या होगा, आंसर बिल्कुल सही होगा। हमेशा ध्यान रखिए तीन टॉपिक के ऊपर डे जो है आपको हमेशा याद रखना है, एक तो कोई भी जो महिला से रिलेटेड हो, दूसरा एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई डे हो, समझ गए, और तीसरा जो है वो किस चीज को लेकर, वो अपने गवर्नमेंट की कोई स्कीम है या कोई भी डे घोषित किया है उस चीज को लेकर। इन तीनों के ऊपर जो है पेपर में सवाल बनते हैं। अभी महिलाओं का है, सिंपल सी बात है, वुमेन वायलेंस को लेकर है ना, तो आपका आंसर क्या है, 25 नवंबर आपको यहां पे ध्यान रखना चाहिए, समझ गए मेरी बात। यहां पे आप देख सकते हैं ये मैप, चलिए इसकी थीम याद करने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं आएगा, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी थीम विषय याद करने की वो मैं आपको करवा दूंगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है, एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, जल्दी से आंसर करें, कोई भी बच्चा गलत जवाब नहीं देगा इसका, गलत जवाब देगा अगर ऐसे सिंपल सवाल के, माता रानी पाप देगी, ठीक है, ऐसी गलतियां नहीं करनी है दोस्तों कभी भी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
ऐसी गलतियां नहीं करनी है और डेली क्लास अटेंड करनी है। देखो एक बच्चों, बहुत बड़ा आपके जीके के अंदर जो है वेटेज है आपके मार्क्स का जीके का, तो 23 तारीख तक जो है वो रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए 23 तारीख तक। मैं रेगुलर आपके 22 तारीख तक जो है वो आपके क्लासेस लूंगा मैं, ठीक है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। और पेपर होएगा ना तब उसका अपन एनालिसिस भी करेंगे अपन, ताकि आने वाले बच्चों को मदद मिले, ठीक है। तो रेगुलर क्लासेस देखनी है, ये आधे घंटे के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, गंगा रिवर डॉल्फिन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छी बात है। चलो काफी बच्चों ने सही दिया है, लेकिन कुछ बच्चे तो अभी भी गलत दे गए। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से गंगा डॉल्फिन अपनी, और ये सारे कुछ अपने नेशनल सिंबल्स है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेशनल फ्लैग आपको मालूम है, तिरंगा है दोस्तों सैफ्रॉन व्हाइट ग्रीन, एंथम जो है जनगण मन है, सॉन्ग वंदे मातरम है, कैलेंडर ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है काम में लेते हैं, और हालांकि अपना जो नेशनल कैलेंडर है उसको अपन सका कैलेंडर जो है उसको अपन मानते हैं। देश में नॉर्मली ग्रिगोरियन काम में लेते हैं, लेकिन हमारा नेशनल कैलेंडर कौन सा है, सका कैलेंडर। और हिंदू कैलेंडर कौन सा होता है, विक्रम कैलेंडर को हिंदू कैलेंडर कहते हैं, विक्रम संवत को, विक्रम संवत। चलिए आगे बात करें, बर्ड पिकॉक मालूम है, एनिमल टाइगर मालूम है, पैंथरा टाइग्रिस कहते हैं, फ्रूट मैंगो है, ट्री बैनियन है, रिवर गंगा है, ठीक है, एक्वाटिक और एक्वाटिक कौन सा एनिमल है, गंगा डॉल्फिन है। यहाँ पे बात ध्यान रखने की, हमारा नेशनल स्पोर्ट्स कुछ भी नहीं है, हमारे देश में हमारा नेशनल स्पोर्ट्स कुछ भी नहीं है, हॉकी नहीं है, इस गलत फहमी में मत रहिएगा, हॉकी है। हमारी नेशनल लैंग्वेज भी हिंदी नहीं है, समझ गए, ये बात भी ध्यान रखिएगा, हमारी हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी और इंग्लिश ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हमारे देश की कोई लैंग्वेज नहीं है, हमारे देश में बतेरी लैंग्वेजेस है जो कि बोली जाती है, समझ गए। चलिए नेशनल स्पोर्ट्स का थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गूगल पे पढ़ोगे अच्छी तरीके से तो आपको पता लगेगा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने साफ साफ बताया हुआ है कि हमने किसी भी भारतीय गेम को नेशनल स्पोर्ट्स नहीं माना हुआ है। दूसरी बात, लोगों को ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि नेशनल हमारा जो हॉकी गेम है वो बड़ा जबरदस्त इतिहास रहा था, और इस जबरदस्त इतिहास से क्या है हमारा लोग जो है वो ये मानने लग गए कि हमारा हॉकी नेशनल गेम है, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। आप पढ़िएगा थोड़ा सा डिटेल के अंदर गूगल पे, आपको पता लगेगा, ठीक है। यूपीएससी के अंदर इस तरीके के सवाल है जो कि काफी सालों पहले पूछे जाते थे, अब तो क्या ये बच्चों वाली चीजें हो गई है, और ठीक है ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि अपन बहुत सारे डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। आपके बहुत सारी जो मिथ होती है, गलतियां होती है, उनको अपन एलिमिनेट करेंगे, बहुत सारी चीजें होती है ऐसी, ओके। चलिए आंसर क्या होगा यहाँ पे, ग्रैंड ओल्ड लेडी वो कौन सी भारतीय प्लेयर को कहा जाता है, जल्दी से बताइए। बात एक हम भी देखो दोस्तों, नहीं पता होना अलग बात होती है, अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता ना तो वो कोई बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको गलत पता है तो वो थोड़ा सा कंसर्न। हमें चीजें को गलत नॉलेज अपने पास नहीं रखनी है, हमें कम रख लो लेकिन हमें बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, और कम तो धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगी, लेकिन कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पास नहीं रखनी है, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कुंजू रानी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड लेडी जो है वो हम इनको कहते हैं। जबरदस्त वेट लिफ्टर है जो कि अपने जमाने के अंदर रही है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने कोई 7 या 8 बार जो है सिल्वर मेडल जीता है, एशियन गेम्स के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 2 बार, ओके, भारत को बहुत सालों तक इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, समझ गए, ठीक है। कहां से, ये भी मणिपुर से ही बिलोंग करती थी, कहां से, मणिपुर से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है अपना, वेदा थंगल पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, वेदा थंगल पक्षी अभ्यारण्य के बारे में आपको यहां पे बताना है कि ये कहां है, जल्दी से आंसर करिए। आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, तमिलनाडु आपका बिल्कुल यहां पे सही आंसर होगा, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर क्या है दोस्तों, वेदांग थंगल क्या है, बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। साथ में मुझे कुछ और बता दीजिए थोड़ा सा, तमिलनाडु के अंदर कोई नेशनल पार्क उसके बारे में बता दीजिए भाई, तमिलनाडु के अंदर कौन से नेशनल पार्क है, क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, एक आधी नाम तो बताइए। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का नाम सुना होगा, गुंटी नेशनल पार्क पेपर में बहुत बार आता है,
कौन सी? गुंटी नेशनल पार्क है, है ना? और बताइए, इंदिरा गांधी अन्नामलाई, हाँ अन्नामलाई, जो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है उसका नाम अन्नामलाई नेशनल पार्क ही है, मधुमलाई नेशनल पार्क भी है वैसे ही। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क 1980 में बनाया गया था, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये भी ध्यान रखिएगा पेपर में, इसके बारे में भी जो है वो कई बार पूछते रहता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ तमिलनाडु के बारे में तब चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये देख सकते हो आप इस तरीके से इसकी एंट्रेंस है, था 1936 के अंदर, बहुत ही पुराना है। अगला सवाल है आपके दिलीप ट्रॉफी को, दियोदर ट्रॉफी को लेकर, ट्रॉफी देवधर ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? कल ही मैंने इसके बारे में आपको बताया था, कल ही मैंने आपको कई सारे जो ट्रॉफीज है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें से एक था ये वाला। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर करो। बिल्कुल सही है, काफी सारे बच्चे हैं जो कि तुक्का लगा रहे हैं। अरे यार कल ही तो पढ़ाया था, कल ही तो पढ़ाया शायद मैंने, फिर भी आप गलत कर रहे हो, ऐसे क्या कर रहे हो? ये दिलीप है, दीपक है, यहां पे दोनों ने गलत किया है। अरे भाई किससे? देवधर क्रिकेट ट्रॉफी किसकी? बहुत ही फेमस है, कौन से की है दोस्तों? ठीक है, कौन से की है यहां पे जल्दी से बताइए, क्रिकेट की बड़ी फेमस ट्रॉफी है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे क्रिकेट के कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके सामने, मैं आप थोड़ा सा ये देखिए, एक तो रणजी है, रणजी ट्रॉफी रणजीत सिंह के नाम पे, जो कि सबसे पहले हमारे देश के क्रिकेट टीम के मेंबर रहे। उसके बाद दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है। तो ये सारी आपके कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफीज है जो कि आपको यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड ध्यान रखनी है। फुटबॉल से रिलेटेड होती है संतोष ट्रॉफी और ये सब जो होती है ये बड़ी फेमस है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करें, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि आपका क्या है, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम है जो कि आपको बताना है। खुशवंत सिंह बहुत ही जबरदस्त हमारे हिंदी के राइटर जो है, खुशवंत सिंह के बारे में जल्दी से बताइए आंसर। ठीक है, खुद के द्वारा लिखी गई थी, खुशवंत सिंह द्वारा खुद की आत्मकथा, मुझे लगता है कि काफी कम बच्चों को इसके बारे में पता होगा। आंसर क्या हो जाएगा? देखो, ट्रुथ लव एंड द मैलिस, ये जो है ना, ये लिटिल मैलिस, ये जो किताब है ये खुशवंत सिंह के द्वारा खुद के द्वारा लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा, समझ गए? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा, ये देख सकते हो आप इस तरीके की कोई किताब है ये, और काफी फेमस जो है इनकी आत्मकथा रही है खुशवंत सिंह के बारे में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेशनल गेम ऑफ भूटान, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कल को अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय खेल भारत का कौन सा है, तो ऑप्शन में एक डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज, समझ गए? तो हमेशा वो वाला सिलेक्ट करना है, नेशनल गेम आपको किसका? भूटान का बताना है, जल्दी से बताइए दोस्तों। क्रिकेट अगर आप पूछे, एंटीगुआ है जो है ना, एक छोटा देश है एंटीगुआ बारबुडा, है ना, बारबाडोज है, उनके ज्यादातर जो है वो क्रिकेट है, जो वेस्टर्न जो है ना, वेस्ट आइलैंड्स है जो सारे वेस्टर्न इंडीज इनको अपन कहते हैं, है ना, तो उनके नॉर्मली आपको क्रिकेट जो है काफी देखने को मिलता है। और बताओ भाई, ऑस्ट्रेलिया का भी है क्रिकेट वैसे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का भी है। एक बच्चा बांग्लादेश का पूछ रहा है, देखो आसपास के देशों के बारे में बता देता हूं, अफगानिस्तान का बुशकाशी, ठीक है, और बांग्लादेश का कबड्डी है, ठीक है, भूटान की यहाँ पे मैंने सवाल पूछा है तो भूटान का काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। क्या है? आर्चरी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर, तीरंदाजी। हालांकि दुनिया के अंदर भारतीय तीरंदाज बहुत फेमस है, ठीक है, भारतीय तीरंदाज दुनिया के अंदर बहुत फेमस है, लेकिन भूटान जो है उनका भी तीरंदाजी है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, समझ गए? श्रीलंका की बात करें तो वॉलीबॉल हो गया श्रीलंका का, और बताइए और कौन सा देश हो गया आसपास, तो यही सारे देश है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो है वो भी अपना हॉकी बताता है, ओके, लेकिन अब रियलिटी जो है वो पाकिस्तान थोड़ा सा डिटेल में पता करनी पड़ेगी, नॉर्मली पाकिस्तान का भी हॉकी है जो कि बोला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एक बात है, दुनिया का कार्बन नेगेटिव देश है भूटान, है ना। चलिए, कौन निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? पॉलिटिकल सवाल आ चुका है, आर्टिकल 110 मनी बिल को लेकर आ चुका है, आपको बताना है
कि कौन डिसाइड करता है कि भाई कोई भी मैटर मनी बिल है या फिर नहीं है। कई सारे सवाल इससे बन सकते हैं। पहला सवाल, लोकसभा के अंदर ही मनी बिल को लाया जाता है। दूसरा सवाल, आर्टिकल को लेकर। तीसरा सवाल जो कि यहाँ पे पूछा है कि किसके द्वारा इसको डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जो स्पीकर होता है लोकसभा का वही डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और बताइए, आर्टिकल 110 ध्यान रखिएगा, पेपर के अंदर जो है डायरेक्टली इसमें से रिलेटेड सवाल है जो कि मनी बिल को रिलेटेड पूछते हैं। एसएससी के अंदर जो है वो थोड़ा सा लेवल जो है वो थोड़ा सा कम होता है, आपसे सिर्फ ऊपर ऊपर का ही पूछते हैं मनी बिल को लेकर कि भाई किसके द्वारा मनी बिल बताया जाता है, आर्टिकल कहाँ होता है, किसके पास पावर है। मैंने जैसे कि बताया आपको है ना कि लोकसभा के पास में पावर्स हैं, तो इसके अंदर जो टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं मनी बिल के अंदर, कोई टैक्सेशन को लेकर, कोई पैसे को लेकर, जो भी मनी से रिलेटेड मैटर है वो इसके अंदर कंसिडर किया जाता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, अभी कौन है हमारे लोकसभा के स्पीकर, ओम बिरला अभी लोकसभा के अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि आपका, तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? जल्दी से बताइए, तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा रिवर के बारे में आपको बताना है, कौन सी डायनेस्टी जो है उसका भरण पोषण है जो कि ये किया करती थी। जल्दी से आंसर करो भाई, जल्दी से आंसर करो, आंसर क्या होगा? ठीक है, काफी सारे बच्चों का यहां पे बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। वैसे तो देखो विजयनगर एम्पायर यहां पे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, विजयनगर एम्पायर जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहां पे आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि तुंगभद्रा नदी की बात करें तो पहले तो विजयनगर एम्पायर आपका बिल्कुल सही आंसर है, उसके अलावा किस नदी में जाके तुंगभद्रा मिलती है ये भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, कर्नाटक के अंदर फ्लो करती है जैसा कि आपको मालूम ही है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और अल्टीमेटली किसको ज्वाइन करती है, कृष्णा नदी को ज्वाइन करती है, गोदावरी कृष्णा कावेरी, तो बीच वाली जो है कृष्णा नदी उसको ये ज्वाइन करती है ना, कोई संगमावरेश्वरम करके एक गांव है वहां पे जाके उसको ये ज्वाइन करती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुरनूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके ये उसको ज्वाइन करती है। समझ गए मेरी बात? चलिए, इसके अलावा सोर्स की बात करें तो दोस्तों एक कुडी करके जगह है, कुडी। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चे ने बोला भी है कि सर इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो देखो एक कुडली करके जगह है कुडली करके, तो वहां से इसकी शुरुआत होती है। समझ गए, कर्नाटक के वहां से है ना, ऐसा कुछ नाम से जगह है कुडली, तो वहां से इसकी शुरुआत होती है, किसकी, तुंगभद्रा नदी की। ये देखिए मैप आप देख सकते हैं, ये विजयनगर एम्पायर की क्या हुआ करती थी, लाइफलाइन है जो कि हुआ करती थी, पानी का सोर्स जो है वो इसी तरीके से गोदावरी कृष्णा कावेरी। ओके, तो ये उसको पानी जो है वो दिया करती थी। अगला सवाल आपके सामने है जो कि है, भारत के अटॉर्नी जनरल के गठन के लिए किस अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है? अटॉर्नी जनरल, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ऐसे आदमी जो कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा किसी भी की भी जाके मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, बस वोट नहीं दे सकते। ऐसा आदमी जो कि प्रेसिडेंट को क्या करता है, लॉ के मैटर के ऊपर सजेशन देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सजेशन देता है, कोई परमानेंट सैलरी इसकी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, इसको अपने केसेस के हिसाब से पैसे जो है वो मिलते हैं। अटॉर्नी जनरल जो है अभी है के वेणुगोपाल, उसके नीचे होते हैं सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल, और उनके नीचे होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि सेंटर के अंदर अटॉर्नी जनरल होता है, वैसे स्टेट के अंदर कौन होता है दोस्तों, राज्य का सरकारी वकील, वो होता है एडवोकेट जनरल, हम उसको कहते हैं। दोनों में फर्क ध्यान रखिएगा, एडवोकेट होता है राज्य का और अटॉर्नी होता है सेंटर का। समझ गए मेरी बात? पहली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहां पे आपको आर्टिकल को लेकर बताना है कि भाई कौन सा आर्टिकल है जो कि अटॉर्नी जनरल को लेकर बोला जाता है, बताया जाता है। ठीक है, चलिए आंसर यहां पे क्या हो जाएगा आपका, आर्टिकल 76। तो पहली बात आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 76, समझ गए। साथ में आपका पहले, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले हमारे देश के अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो यह भी आपको बताना है। जल्दी से बताइए कौन है, सेटलवर्ड का नाम आपने सुना होगा ना, वो हमारे देश के पहले कौन थे, अटॉर्नी जनरल थे, ये भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी टर्म ऑफ टेन्योर के बारे में बात करें तो ये दोस्तों किसके प्लेजर में काम करते हैं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट।
यानी कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक ये काम करेंगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, एक साल के लिए, दो साल के लिए, तीन साल के लिए, ना कोई सैलरी फिक्स है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अगर कोई सरकार के खिलाफ केस करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ने कौन जाएगा? अटॉर्नी जनरल जाएगा। ठीक है, बड़ा केस है तो आर्टिकल 76 ए के अंदर जो है इसके बारे में बता रखा है। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी जज सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के एलिजिबल है वो अटॉर्नी जनरल जो है उसको बनाया जाता है। ठीक है, ये एक जो है क्राइटेरिया आपको देखने को मिलता है। अभी प्रेजेंट के अंदर जो है वो 15वें है, के वेणुगोपाल जो है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों 15वें कौन है अभी अटॉर्नी जनरल? के वेणुगोपाल है। आर्टिकल 76 और 78 के अंदर जो है इसके बारे में बता रखा है, और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है हमारे देश के जो कि लीगल मैटर को देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, कोप 24 कॉन्फ्रेंस 2018 के अंदर कहां पे आयोजित करवाई गई थी? कोप 24 के बारे में बात करें दोस्तों 2018 की, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। आप यहां पे देख सकते हैं कहां पे करवाई गई थी। ओके, कहां पे करवाई गई थी? ये आपके पोलैंड के अंदर करवाई गई थी। कहां पे? पोलैंड के अंदर। ध्यान रखिएगा बात को, आंसर क्या हो जाएगा? पोलैंड आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। अभी कहां पे हो रही है कोप 14? एक और हो रही है ना अपने यहां पे डेजर्टिफिकेशन को लेकर, कहां पे हुई है? नोएडा के अंदर हुई है ना, नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, पेपर में सवाल आएगा। अगला सवाल, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद के बारे में आपको बताना है। सिंपल सा सवाल है मोती मस्जिद को लेकर, आंसर क्या होगा इसका? बहुत ही सिंपल है, आगरा आपका यहां पे बिल्कुल सही जवाब होगा। आप देख सकते हो दोस्तों मोती मस्जिद येरी शाहजहां के दौरान भारत के मुगल सम्राट के रूप में आगरा में मोती मस्जिद जो है उसका निर्माण है, जो कि कराया गया था। ठीक है, पूरा पिक्चराइजेशन के थ्रू पढ़ेंगे ताकि आप कभी भूलोगे नहीं। अगला सवाल, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड का, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दोस्तों किसको दिया जाता है, किस कैटेगरी में दिया जाता है, जल्दी से बताइए। शांति स्वरूप दोस्तों हमारे देश के काफी जबरदस्त जो है वो साइंटिस्ट थे। ठीक है, और हमारे देश का बात करें तो दुनिया में दोस्तों बहुत ज्यादा प्राइज मनी के साइंस के अवार्ड्स होते हैं, लेकिन हमारे देश की बात करें दोस्तों तो हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ा साइंस का अवार्ड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसको अपन शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड कहते हैं। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये CSIR के द्वारा दिया जाता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका वैसे तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू द साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में जो है यंग साइंटिस्ट जो होते हैं उनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है, जो कि अच्छा काम करते हैं, जो कि काफी काम करते हैं, है ना। पहली बार इस अवार्ड को दिया गया था 1958 के अंदर, 45 साल से जो कम एज के जो साइंटिस्ट है ना उनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। ठीक है, उनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। और आपको पता है प्राइज मनी कितनी है? मात्र 5 लाख रुपए है देश के सबसे बड़े साइंस अवार्ड की, मात्र 5 लाख रुपए प्राइस, और 15,000 रुपए मिलते हैं जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते, ये देख सकते हो आप यहां पे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये आपका था आज का लास्ट सवाल। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन जो कि आज अपन ने कवर किया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही अपन रेगुलर क्लासेस करते रहेंगे। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के भी मैं सेशंस आपके लिए लेके आऊंगा एग्जाम से पहले, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो और आप एग्जाम में जबरदस्त परफॉर्मेंस दे सके। इस बार उम्मीद करता हूं कि जो टॉपर्स होंगे SSC JEE के अंदर और RRB JEE के अंदर, वो अपने वाईफाई स्टडी के स्टूडेंट होंगे, और जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चों के, कुछ बच्चों का सक्सेस स्टोरी करी थी, वैसे आप भी जो है आपकी भी कुछ टाइम के अंदर सक्सेस स्टोरी है जो कि देखने को मिलेगी, और वाईफाई स्टडी की जो टी शर्ट है उसके हकदार आप भी होंगे। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस तरीके से रेगुलर पढ़ते रहेगा। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।